अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब के? मार्वल के व्हाट इफ के सीजन 2 की एपिसोड 1 का रिव्यू करने वाला हूँ। हाँ, उसके एपिसोड 1 आ चुकी है। जहाँ सबसे पहले इस एपिसोड का नाम क्या, व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉप्स। जहाँ इसकी स्टार्ट में हमें देखने मिलता है, स्टार्ट ने ही इसके हुक कर लिया था, क्योंकि हमें देखने मिलता है हमारे पास जो योंडू है वो मारा जाता है। और यही मेरी थ्योरी थी, क्या हो अगर एक करेक्टर मारा जाए और उससे आगे अगले एपिसोड कंटिन्यू हो। और अगले एपिसोड यही है कि हमारे पास जो पीटर क्विल है वो अर्थ पर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको योंडू ने कभी अपने पास बुलाया नहीं, क्योंकि वो एपिसोड 1 के अंदर ही मारा गया। बाकी इस एपिसोड पर बात करें, स्टार्ट ने तो हुक कर लिया कि हमारे पास योंडू मारा जाता है। बाकी अगर एक चीज़ बताऊँ, इसमें जो व्यूजर्स हैं वो यकीन करो दिल ले जाते हैं। बाकी क्रिएटर्स वगैरह उन्होंने मेहनत करी है, यकीन करो नजर आता है। कलरफुल लग रहा है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। और एक चीज़ ये, कहानी काफ़ी हद तक डिस्टोपियन महसूस हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं फील होती है। वो ऐसा लगता है ब्लेड रनर 2049 देख रहे हो, या उससे रेलिवेंट कहीं ना कहीं उसके आसपास जैसी कहानी रिवॉल्व कर रही होती है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो फील होता है पर्सनल। और हमारे पास नेब्यूला ही एक ऐसी करेक्टर है जो अकेली वहाँ पर मौजूद है, जो कि एक पॉजिटिव करेक्टर है। बाकी जितने करेक्टर हैं वहाँ नेगेटिव हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो हमें स्टार्ट में ही दिखा दिया कि हमारे पास जो योंडू है उसको मारने वाले असल में बुरे लोग हैं, जो कि नेगेटिव है। सिर्फ हमारे पास नेब्यूला है जो एक पॉजिटिव करेक्टर है, और इसी वजह से हमें सारी कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। और बात करें एनिमेशन जो हमें इसमें देखने को बहुत ज़्यादा इनहांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो एक ऐसी एनिमेशन या ऐसा बहुत कुछ ऐसा लगता है रियलिस्टिक लग रहा होता है, हालांकि वो है एनिमेटेड, लेकिन देखने में पसंद आ रहा है, देखने में मज़ा आया। इस एपिसोड के अंदर आधे से ज़्यादा कहानी हमें नरेशन के जरिए चल रही होती है। शुरू में यकीन करो हुक कर लेता है जब योंडू मारा जाता है, बाकी बीच में थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है। और जो अंडर वाटर सीन्स हमें देखने मिले हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। खैर जो है मज़ा आना चाहिए, और यकीन करो मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। एक आध बात और बताऊँ, वो जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो ये है कि हमारे पास कोई तो है जो शील्ड या नोवा कॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसको टर्न डाउन करना चाहता है। नोवा कॉप्स के एक बंदे को छुड़ाने के लिए नेब्यूला साथ जाती है, और जिस बंदे को वो छुड़ाती है वही बंदा उसको डॉज करता है, उसको धोखा देता है। जहाँ तुम कह सकते हो, इसी एपिसोड के अंदर हमें हॉवर्ड द डक भी नजर आती है, और प्रीटी गुड। जितनी फास्ट चल रही थी उतनी ही पेसिंग स्लो लग रही होती है विद टाइम, बस तुम कह सकते हो, बट ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, टाइम पास हो सकता है और टाइम पास हो भी जाता है। जहाँ एक बात बताऊँ, नेब्यूला हमारे पास एक मशीन है, वो नोवा कॉप्स के लिए काम करी है, और बाद में जिनके लिए वो काम करी है वही लोग उसको असल में धोखा दे देते हैं, वो उसको मारना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा करेक्टर था जो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव करेक्टर उसको मारना चाह रहे होते हैं। और इस चक्कर में वो किसी तरीके से जिंदा बचती है, अपनी अलग टीम बनाती है जिसमें वो ग्रूट को रखती है, वो हॉवर्ड द डक को रखती है। सेवन थंडर के अंदर वो पत्थरों वाला तुम्हें करेक्टर देखने को मिलता है, जिसकी आवाज़ टाइका वाटिटी निकालते हैं। बाकी सारे करेक्टर्स को उसने अपनी टीम का हिस्सा रखा, लेकिन खुद की जो लुक रखी उसने वो योंडू वाली रखी, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और एक बात बताऊँ, इसकी एंडिंग मुझे पसंद आई, इसका क्लाइमेक्स पसंद आया, और थोड़ी बहुत जो स्टार्ट ने हुक किया, थोड़ी बहुत कहानी जो है वो स्लो पेस पे चल रही थी, जब तक मेन मोटिव पता नहीं चला कि हाँ भाई ये बचती भागती फिर रही है, किन लोगों से बचती भागती नजर आ रही है। एपिसोड के अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलने मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो मसूस पिक्स। अल्लाह हाफिज़।